किचन हैंडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू साबूदाने की टिक्की बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधी कटोरी साबूदाने लिए हैं और हरा कटा हुआ धनिया लिया है, हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा काली मिर्ची ली हुई है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और स्वादानुसार मैंने नमक लिया है। और इसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। आधी कटोरी जो साबूदाने लिए थे उसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं ये साबूदाने डाला हुआ हरा धनिया डालूंगी, कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी, काली मिर्ची डालूंगी थोड़ी सी और मैं नमक डालूंगी। अगर आप ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला स्किप भी कर सकते हैं, और ऐसे ही सिंपल खाने के नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं और अधिक लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने जो आलू लिए थे मैं उसको ग्रिल करके इसमें डालूंगी। बंद कर। अब इसको अपन मैश करेंगे। इसके अपन छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब एक प्लेट में थोड़ा सा आटा ले लेंगे और अपन उन्हें उसको हथेली में लगाएंगे जिससे कि ये बॉल्स चिपके ना। आटा लगाने से क्या होता है कि जब तवे पे अपन डालते हैं तो वो आसानी से उठ जाती है। ऐसे गोल गोल बॉल्स बनाएंगे आटा लगा के। अब हमारी ये बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब मैं इन्हें तवे पे सेकूंगी। इसके लिए मैं एक पैन पे घी डालूंगी थोड़ा सा। ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब ये टिक्की मैंने सेकने के लिए रख दी है। अब मैं इन्हें 2 मिनट सेकूंगी। अब मैं इनको पलट के देखूंगी। हाँ, ये नीचे से हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं ये। अब मैं इसे और दबा दबा के सेकूंगी। ये आटा लगा होने के कारण ये बहुत अच्छे से पलट जाते हैं, टूटते नहीं हैं। 2-3 मिनट और सेकने के बाद कलर देखो काफ़ी चेंज हो गया है। हमारी टिक्की ब्राउन हो चुकी है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार हैं।